सिंड्रेला। तो दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बिन माँ की बहुत ही सुंदर लड़की थी सिंड्रेला। पिता की भी मृत्यु के बाद वे अपनी एक सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सौतेली माँ पूरे घर का काम करवाती थी उसे। सारा दिन काम करने के बाद वे थक जाती और थक कर वे पक्षियों से अपने दिल की बात सुनाती कि वे लोग उसे कितना परेशान करते हैं। पक्षी भी उसकी बातें सुनते। देश के राजा का एक लौता बेटा था। उसकी शादी एक सुंदर लड़की से हो जाए इसलिए राजा ने एक डांस पार्टी रखी और उसमें देश की सब सुंदर लड़कियों को बुलाया गया। दोनों बहनें बड़ी खुश हो गईं और अपनी अपनी ड्रेस सोचने लगी और सोचने लगी कि राजकुमार तो हमें ही पसंद करेगा। पार्टी का दिन आया। माँ और बहनें तीनों सज धज कर पार्टी के लिए निकल गई। उनको जाता देख सिंड्रेला परेशान हो गई। उनकी सुंदर ड्रेसेस को देखकर सिंड्रेला का मन भी करने लगा कि मैं भी पार्टी में जाऊं। उसे लगा कि काश मैं भी पार्टी में जा पाती और ये सोचकर वह रोने लगी। तभी वहां से परियों की गॉड मदर गुजर रही थी और सिंड्रेला को परेशान रोता देखकर वहां आई और बोली, सिंड्रेला सिंड्रेला तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें भी पार्टी में जाना है? सिंड्रेला उसको देखकर हैरान हो गई और बोली कि हाँ मुझे भी पार्टी में जाना है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं? गॉड मदर बोली, बगीचे में से एक कद्दू, तय खाने में से 6 चूहियां और एक चूहा लेकर आओ। सिंड्रेला जल्दी से गई और जाकर सारा सामान ले आई। गॉड मदर ने तुरंत कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और सोने की पालकी में बदल दिया। 6 चूहियों को घोड़ों में बदल दिया और बड़े चूहों को पालकी चालक में बदल दिया। और गॉड मदर ने कहा, अब ये रथ पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसने अपनी छड़ी घुमाई और सबसे सुंदर पोशाक पहना दी, सोने चांदी के तारों और डायमंड से सजी हुई। अब तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो और बिल्कुल तैयार हो पार्टी में जाने के लिए। सिंड्रेला खुद को देखकर बहुत खुश हो गई और वो रथ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गई। जाते जाते गॉड मदर ने सिंड्रेला से कहा कि ध्यान रखना कि 12 बजे से पहले लौट आना, वरना तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे ही वो महल में घुसी और सब लोगों ने सोचा कि कोई राजकुमारी है जो परदेश से आई है। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा और उन्हें सिंड्रेला से प्यार हो गया, वे देर रात तक उनके साथ नाचते रहे। सिंड्रेला और राजकुमार की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोगों को लग रहा था कि राजकुमार सिंड्रेला को ही चुनेंगे। जैसे ही 12 बजने को थे, सिंड्रेला को गॉड मदर की बात याद आ गई। वह घबरा गई और सोचने लगी कि अगर 12 बज गए तो उसका जादू यही खत्म हो जाएगा और वह पकड़ी जाएगी। राजकुमार से विदा लेकर वो जल्दी जल्दी बाहर जा रही थी और डर के मारे सिंड्रेला इतना तेज दौड़ रही थी कि उसका कांच का जूता वहीं छूट जाता है एक पांव का। राजकुमार पीछे से आवाज लगाने लगा तो वे जल्दी जल्दी चली गई। राजकुमार को सिंड्रेला का एक जूता मिला और उसने राजा को सारी ये बात बताई। राजा ने मंत्री से कहा कि ऐलान कर दो कि जिसे भी ये सैंडल फिट आएगी उसी से राजकुमार की शादी होगी। घर घर जाने के बाद जब मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसने उसकी दोनों बहनों को जूता चेक करवाया। वह दोनों को जूता फिट नहीं हुआ। फिर उसने सिंड्रेला को बुलाया
और जूता चेक करने के लिए कहा। तभी सौतेली माँ बोली, इसे जूता फिट नहीं आएगा, ये नौकरानी है। मंत्री ने कहा, इसे भी पहनाना है। और जूता तुरंत सिंड्रेला को फिट आ गया। और उसकी माँ और सौतेली बहनें बहुत हैरान होने लगी और बोली, इसे कैसे फिट आ गया। तभी वहां पर उनकी गॉड मदर प्रकट हो गई और उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को राजकुमारी में बदल दिया। उसकी बहनें बोली, ये वही राजकुमारी है जो पार्टी में आई थी। और सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा।